हेलो एवरीवन, सो दिस इज डॉक्टर अमन जायसवाल फ्रॉम विंग डॉक्टर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमसीसी जो कि एमबीबीएस और बीडीएस की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है, तो अभी रिसेंट में क्या किया है, एमसीसी ने एक नोटिस रिलीज किया है जो कि नीट सेंट्रलाइज काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। अब ये नीट सेंट्रलाइज काउंसलिंग क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको पहले क्या होता था, आपको अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करानी है या आपके स्टेट की आपको काउंसलिंग करानी है तो आपको आपके स्टेट का अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, और ऑल इंडिया कोटा की करानी है तो आपको ऑल इंडिया की जो भी एमसीसी है वहां पर जाके आपको फॉर्म फिलिंग करना होता था। लेकिन अब से सेंट्रलाइज नीट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको क्या करना होगा, एक ही जगह फॉर्म फिलिंग करना होगा जो कि एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर। अब इससे क्या फायदा होगा, पहला फायदा तो यह होगा कि आपको एक ही जगह पर फॉर्म फिलिंग करना है, आपको जगह जगह पर फॉर्म फिलिंग नहीं करना है, तो इससे आपका एक तो पैसा बचेगा और दूसरा क्या होगा कि आप क्लियर हो जाएंगे कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना है या 85% स्टेट कोटा जो कि आपका स्टेट है वहां से सीट लेना है, क्योंकि काउंसलिंग एक साथ हो रही है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट राउंड आएगा, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेगी या स्टेट कोटा से सीट मिलेगी। अब कई बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि भैया क्या अगर मान लो ये रूल आता है तो हमारा जो 85% स्टेट कोटा है वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको जो 85% स्टेट कोटा है वो आपका रहेगा, आपके स्टेट में जो भी रिजर्वेशन है वो बकायदा जैसे पहला चलता था वैसा रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ इतना हुआ है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो सिर्फ एक ही गवर्निंग बॉडी कराएगी जो कि है एमसीसी, और दूसरा ये होगा कि जो काउंसलिंग है वो सारी काउंसलिंग एक साथ होगी। तो इस तरह से यहाँ पर एमसीसी ने जो अपना नोटिस है उसमें लिखा है। अब कई बच्चों के मन में सवाल थे जो कि आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कि भैया क्या आयुष काउंसलिंग में भी ऐसा होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि इस साल तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि मेघालय ने भी अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, कुछ स्टेट और जैसे कि बात करते हैं तमिलनाडु, उन्होंने भी क्या कर दिया है अपना जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट कर दिया है। तो इस साल तो नीट 2023 में जैसा पहले चलता था कि अगर आपको स्टेट की काउंसलिंग करानी है तो आपको 85% स्टेट कोटा का जो फॉर्म फिलिंग करना होगा, है ना, और अगर ऑल इंडिया की करानी है तो आपको EEEC की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलिंग करना होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नीट 2024 में ऐसा हो सकता है, एमसीसी ने तो ऐसा यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है, तो इस साल वहां पर तो होगा। लेकिन अगर हम आयुष काउंसलिंग की बात करें तो इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल जैसे पहले चलता आ रहा था वैसा ही प्रोसेस होगा। स्टेट कोटा की करना है तो आपको स्टेट का अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, और ऑल इंडिया कोटा में आपको EEEC की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलिंग करना होगा। तो ये तो मैंने आपका ये जो डाउट है वो क्लियर कर दिया। अब अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आपको जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल @WingDoctorNeet ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही में अगर आपने हमारा विंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप जैसे विंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा। आप जैसे इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहाँ पर पे सेट की कट ऑफ मिल जाएगी और आपके हर राउंड की वहाँ पर चॉइस फिलिंग की जाएगी और आपको पर्सनली गाइडेंस दिया जाएगा। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और चेक कीजिए। और इस तरह की वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी होती है वह हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, सेंट्रलाइज नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो इस साल आयुष काउंसलिंग में तो नहीं होगा, क्या तथ्य है कि जो मेघालय काउंसलिंग वो स्टार्ट हो गई है ना, और तमिलनाडु ने भी अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, तो इस साल तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट ईयर से हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।